हेलो दोस्तों, क्या हाल है यार? आज हम सीखेंगे सिलिकॉन कैटेटर लगाना, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले जो हमें चाहिए A4 साइज़ की शीट, जो कि मैंने जो अंडर पैड होता है उसको कट किया है। अब इसमें से लिंक इस प्रकार से आपको बाहर निकाल लेना है, उसको बीच में होल करके लिंक इस पर से निकाल देते हैं। दूसरा हमें चाहिए गोज पीस और बेटाडिन, लिंक को साफ़ करने के लिए। अच्छे से आपने अच्छे से गोज पीस में बेटाडिन ले लेना, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में, सेम टू सेम। लेने के बाद इसको अच्छे से आप इस तरह पकड़िए और अच्छे से जो है इसको क्लीन कर, जिससे इसमें कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ना आ जाए, क्योंकि यार ये काफ़ी इन्फेक्टेड एरिया होता है, तो उसमें अच्छे से कर लेना, क्लीन कर लेना। दूसरा जो है हमें चाहिए होगा डिस्पोवेन का 5 ml वाला सिरिंज, और उसके बाद एक लॉक्स जेल जो 2% का आता है, आपको किसी भी फार्मेसी मिल जाएगी। आपने लॉक्स जेल जो है वो सिरिंज का जो कैप ओपन ऊपर का होता है उसको ओपन करके उसमें डाल देना है भर करके, उसके बाद आपने इसमें पैक कर लेना है। आप देख सकते हो वीडियो में कैसे मैं कर रहा हूँ, सेम टू सेम हो गया। अब लिंक को आपको करना है, लिंक ऊपर जो छोटा सा होल होता है उसके अंदर उसमें डालिए, उसको पूरे का पूरा प्रेस कर दीजिए अंदर तक, उससे जो अंदर जो भी जेल है वो अंदर तक चला जाएगा अच्छे से, जिससे क्या होगा पेशेंट को पेन नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके बाद हमें चाहिए सिलिकॉन का एक कैटेटर, ये जो है मैं सिलिकॉन कैटेटर यूज़ करता हूँ, अगर आप दूसरा यूज़ करना चाहो तो आप दूसरा भी कर सकते हो, एक अलग अलग टाइप्स के आते हैं, ये मैं सिलिकॉन का कर रहा हूँ, ठीक है। देन अब इसने हमें ओपन कर लेना है, इसका एक और पैकेट होता है अंदर जो कि मतलब स्टरलाइज होता है, इसने ओपन कर लेना आप, और आपको साइड से इसको ओपन करने का देखा दिया गया होता है, ये देख सकते हो आप, इसने हमने ओपन किया इसको, ठीक है। अब जो है हमें इसको ऐसे पर लिंक को पकड़ना है, इसका जो होल होता है उसके अंदर सीधा बिल्कुल स्ट्रेटली इसको ईजली करके एकदम सॉफ्टली डालते जाना है, ठीक है। आप देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, एकदम फोकस करना और आपको इधर उधर कहीं देखना, आपको ईजली से डालते जाना है, ठीक है। देखिए आप तो देख सकते हो कैसे डला है, अभी ये जो है अपना मेरा जो है डलने का मतलब कम्प्लीट होने वाला है, हो चुका। अब हमें चाहिए होगा इसके बाद जो हमें एक और चीज़ चाहिए, वो जो है इसके बाद है हमें चाहिए होगा 10 ml की डिस्पोवेन का सिरिंज, जिससे हम इसमें ए डाल पाए, ए या फिर आप इसमें NS भी डाल सकते हो। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 30 ml की, बट इसमें 30 ml नहीं डालना, हमें इसमें 20 ml टू 25 ml डालना होता है। तो इसमें मैंने 2 बार 10-10 ml वाली सिरिंज से ए डाल दिया है, जिससे ये जो है बाहर नहीं खींचने पर भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हो मैंने डाल दिया, बस अब ये देखो मैं इसको खींच रहा हूँ बट भी बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है। तो पता चल गया आपने कैसे डालना है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू, इट्स मी कृष्णा।